यार ये आज का व्लॉग गाइस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरे को बताना कमेंट्स में। और आज हमने जाना है कॉलेज वगैरह ना, तो प्रैक्टिकल वगैरह मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया होगा तो बता दिया। तो प्रैक्टिकल वगैरह भी दे रहे हैं। बाकी भाई एक तो ना ये ठंडी पड़ी है अभी, तो स्पीड भी नहीं पकड़ रही है, एकदम झटके मार रही है। और इसकी स्पीड देखो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है भाई, 40 पे अटकी हुई है, बढ़ रही है कम नहीं हो रही है कम। अभी देखो जैसे मैंने रेस दी भी नहीं है तब भी है, देखो 40 पे रुकी हुई है भाई। और ये ठंडी बड़ी पड़ी है, क्या करना है इसको, चल पड़ भाई चल पड़ चल पड़। इसको करते हैं ना थोड़ा बहुत गर्म, अभी आपको पता ही आपका भाई है ही खतरनाक, तो गर्म तो हो ही जाएगी। तो चलो गर्म वगैरह करते हैं और वैसे इंट्रो मार लेते हैं। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि आज हम जा रहे हैं कॉलेज को ना, तो चलो बाकी आज मैंने इंट्रो बाद में स्टार्ट किया, मैं कि चलो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके बाद इंट्रो शूट कर लेंगे, तो उसका कोई सीन नहीं है। बाकी भाई अपना तीसरा दोस्त जिसका बर्थडे था आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो वो भी मिलेगा हमें, उसको भी दिखाता होता है व्लॉग में। तो चलो बाकी कोई सीन नहीं है, आपको मेरी वॉइस वगैरह बताना कैसे आ रही होगी और एंगल वगैरह तो आपको सही आ रहा होगा। तो चलो अब मैं सोचता हूँ ना बीच बीच में, चलो मैं कॉलेज तो नहीं भी जाता ना, बट आज है मेरा प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल देने जाना है, तो सोचा चलो मोटो व्लॉग भी शूट कर ही लेते हैं, क्योंकि जमाने हो जाते हैं मोटो व्लॉग शूट करेगा ना। और मोटो व्लॉग वाली वीडियो पे आपने अच्छे खासे ये है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे कुछ कुछ वीडियोज़ को तो मोटो व्लॉग ही अच्छा लगता है, बिकॉज जो जो मेरे को पुराने जानते हैं उनको तो पता ही है गाइस मैं मोटो व्लॉगर ही था, और हूँ भी भाई, था तो क्या ही हूँ भी मैं। तो ये तो चलो मैं लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग भी ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर दी कि यार बेले बैठे हैं और कुछ कर ही लेते हैं, मोटो व्लॉग तो चल नहीं बना सकते तो लाइफ स्टाइल ही बना लेते हैं, कुछ ना कुछ गाइस करते रहना चाहिए ना। तो चलो कोई सीन नहीं है, बाकी एंगल वगैरह देख लेना सही आ रहा है या नहीं। और गाइस ठंड वगैरह ना काफ़ी हो गई है, और मैं एक ही आसे चला दूंगा इसे देखो। तो चलो बाकी कोई सीन नहीं है, बाकी कोई सीन नहीं है ना। और सुबह का व्लॉग है, ठंड वगैरह काफ़ी हो गई है, स्वेट शर्ट वगैरह डाली है मैंने, और दो लोगों ने कोटियाँ भी डाली है भाई, मैंने तो स्वेट शर्ट डाली है, और देखो उसने भी डाली है, उन्होंने भी डाली है, मतलब लुधियाना में ठंड हो गई है ठंड। तो चलो ठंड तो यार होनी है ना लुधियाना में, क्या आपके शहरों में भी हुई होगी तो मेरे को बताना ना कमेंट्स में। और एंगल वगैरह एक बार यार चेक ही कर लेता हूँ कैसा आ रहा है, आपको आगे का भी दिख रहा है या नहीं मेरे को पता नहीं, अब दिख रहा होना। चलो अब तो आपको हैंडल आगे का भी दिख रहा होगा, मेरा हैंडल भी दिख रहा होगा ना। तो चलो बाकी गाइस आपके एग्जाम्स वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं या शुरू हो गए हैं वो भी मेरे को बताना, हम तो कॉलेज स्टूडेंट हैं ना, तो हमारे तो अभी शुरू ही होने हैं दिसंबर में, तो स्कूल वाले होंगे तो चलो मार्च में होते हैं वो तो पता ही है। बाकी आप भी क्या क्या करते हो वो भी बताइएगा, मेरे को ना बस कमेंट्स कर दिया करो, बढ़िया बढ़िया मेरे को भी देखने का आता है मज़ा क्या, बट कोई कमेंट करता नहीं है, बहुत कम ही आते हैं कमेंट्स, व्यूज वगैरह आ जाते हैं, लाइक्स भी चलो आ जाते हैं एक हद तक, बट कमेंट्स नहीं आते, कमेंट्स भी एक ही आते हैं ओनली लाफ करके, जो है ना बंदा उसी के ही आते हैं, वो भी मेरे पीछे बैठा हुआ है ओनली लाफ करके जो भी है वो। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मेरा था प्रैक्टिकल कोई 9:30 बजे और 7 तो मैं घर पे बज गए थे यार, तो कोई सीन नहीं है, इतना चलता ही है थोड़ा बहुत। बाकी अगर मैं तेज चलाऊंगा तो कोई दुर्घटना ना घट जाए ना, तो इसीलिए कहते हैं देर आए पर दुरुस्त है जैसी जो कहावत नहीं है बड़ी है। तो चलो उसका भी कोई सीन नहीं है, दुर्घटना तो क्या ही करते हैं यार, मेरे हाथों से कभी कुछ नहीं हुआ है और टचवुड होगा भी नहीं। का भाई है ही बड़ा खतरनाक ना राइडर, वैसे यार मैं तो कहता हूँ भाई मुझे नहीं चलानी आती ढंग से ना, कहीं खुद मानते हैं भाई कुछ तो मानते हैं भाई, लाइफ में तो मुझे कोई चला ही नहीं सकता, आ जा रेस ला के देख ले, आ जा खिंच के देख लेते हैं, तो आगे जाके बचते भी हैं उनका मेरे को पता भी है भाई, तो मैं नहीं कहता कभी भी यार कि भगाओ भाई, जितनी भगा उतनी भगाओ जितनी आप कंट्रोल कर सकते हो उतनी भगानी बस।
जैसे मेरे को बताएगा मैं 60-80-100 तक भी लूंगा, बट उससे ज्यादा अगर होएगी तब पता है भाई, कुछ भी हो सकता है, सबको अपना अपना पता होता है यार। पर वैसे भी रिवील नहीं करना चाहिए कितनी चलाते हो कितनी नहीं है, खुद को पता तो बस बहुत ही है, यही करना लोगों को बता रहे। बाकी कोई नहीं, करवाओ आप बढ़िया बढ़िया से स्पोर्ट, आपको तो मैंने बोल रही है लुधियाना में तबाही करवाई देनी है हमने, तो तबाही करवा भी देखिए। बाकी यार कुछ कुछ जो है ना ब्लॉगर वगैरह लुधियाना के या ऐसे भी हैं जो, तो वो ना ऐसा सीन है कि बनाते हैं झुंड में, ठीक है, ग्रुपों में बनाते हैं वो, तो उनके व्यूज़ भी आते हैं और मेरे को बोलते हैं भाई कि तेरे व्यूज़ नहीं आते या क्या सीन है। तो भाई बात ऐसी है कि आप बनाते हो ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में व्यूज़ आएंगे क्योंकि जो चार पांच बंदे होते हैं ना, एक बंदा उसको देख रहा होगा, उसके बाद वो सोचता है यार चल इसके साथ वाले को भी देखता हूँ कि कैसे चला रहा होता है या क्या बकचोदी कर रहा होता है, दूसरे को भी देखता है, दूसरे के बाद जो दूसरे की ऑडियंस होती है वो पहले वाले को भी देखती है कि यार ये भी तो दोस्त ही है, इसमें देखते हैं उसने क्या इसकी बेइज्जती की है या कैसे चला रहा है वो, मतलब आपस में देख के ना उनके व्यूज़ आ जाते हैं। और मैं हूँ भाई छड़ा छड़ है अकेला, और मेरे अकेले में गाइस उनसे ना काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, जिनके उतने ग्रुप में नहीं आते ना सही से उतने, तो भाई मैं कल्ला व्यू ले रहा हूँ। और अगर मेरा नाम गाइस अकेला बढ़ेगा भी ना तो मेरा अकेले ही नाम बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा लू बहना हुआ तो, किसी के साथ मेरा वो नहीं है भाई कि किसी के साथ ऐसा नहीं होगा ना भाई कि तेरा उसके साथ रह रह के नाम बढ़ा या क्या सी ना, अपना नाम बढ़ेगा तो बस अकेला ही बढ़ेगा, क्योंकि आपने सुना नहीं जट कल ही काफी है वो वाला सीन होना हमारे साथ। तो मैं टेक ना एक टाइम पे ना यार नहेरी ले आ दूंगा मैं लुधियाना में, आप भी आओ मैं भी यही हूँ, ठीक है, आप ना मेरे को सपोर्ट करवाओ, और अगर मैंने नहेरी ना ले आई ना तब मेरे को बताना, ऐसे वैसे के मुंह मैंने बंद करवाने हैं ना कि भाई क्या ही कोई कहता है कितने पहुंच गया, ठीक है छिकू पहुंच गया, चल गैस वो खड़ा पीछे ये हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी न्यू ईयर, चला चलिए और बढ़िया, चलो हाँ हाँ तो चलो गैस ये भी आ गया, और करते हैं कुछ दुकान वगैरह इसकी खुल चुकी है पहले पापा खोल देते आके, तो चलो कोई सीन नहीं है, आप भी आना गैस इसके दुकान पे ना, मैंने तो आपको बताया ही है ज़रूर से करना है विजिट। बाकी यार तो गले नहीं है कड़ाई पड़ी है मेरी, तब से ठीक ही नहीं हो रहा भाई, खांसी है क्या ही कहने, फिर क्या ही कहने, सभी आ जाओ, की कह रहे हैं गुरिल्ला ना नहीं है की मतलब ना, आप माहौल चाल चेक करिए और देखते रहो गाइस क्या कौन सी मार्केट खुल जाती है ना इस टाइम। और यहाँ पे है मंडे जी दे परांठे जो कि कहाँ है, वो आगे पीछे रह गया क्या, पीछे रह गया ना, हाँ पीछे रह गया कहीं, वो गैस पूरे दिन रात खुला रहता है यार दिन रात, उसके परांठे बहुत मशहूर है, खतरनाक बनाता है। वैसे तो यहाँ पे रात को 10 बजे यहाँ पे रेडियाँ लगी होती है साइडों पे, जैसे इधर वाली साइड में इधर वाली साइड में ना, तो रेडियाँ चल निकाल ले, तो रेडियाँ जो लगी होती है ना उधर भी परांठे बन रहे होते हैं ताज़े ताज़े, और लोग भी खड़े होते हैं भाई 10 बजे से लेकर सुबह के 4-4 बजे तक ना परांठे खड़े होते हैं भाई उधर भी, पता नहीं क्या सीन है मेरे को समझ नहीं लगी। तो चलो मतलब अपने अपने हिसाब है ना लोग, ये देखो जैसे ये अभी भी लगा हुआ है भाई, ये रात से लगे होते हैं रात से, नहीं है उनका भी अपना गाँव है, बाकी ये छोटा बाजार
इसी टाइम आपको चौड़ा लगेगा दोपहर के टाइम। आपने ब्लॉग में देखा होगा भाई कहीं चौड़ा लगता है, यहाँ तो जगह नहीं होती चलने की, और चौड़े तो दूर की बात है। एक तो भाई ये क्या कर रहा है ऑटो वाला, तो इस टाइम देखो इस टाइम दुकानें बंद है ना, इसलिए आपको ये चौड़ा लग रहा होगा। ऐसे कह दिया छोटा बाजार है छोटा, ये तो भी लगी थी थोड़ी। इसकी स्पीड 40 से बड़ी है क्या, मेरे को कमेंट्स में जाके बता रहा, मेरे को तो नहीं लगा, जहाँ पर फंसी थी उधर ही फंसी है अभी। पता नहीं इसकी एक्टिवा भी उसने क्या था, तो ऐप है भाई, मेरे को तो इसकी नहीं समझ लगती। दोस्त की एक्टिवा ना, मेरी एक्टिवा नहीं है। एक तो गैस मैं बोलता वैसे हिंदी में होना है, तो मैंने आपको एक बार पहले भी पूछा था कि कोई दिक्कत तो नहीं है पंजाबी में ब्लॉग में बना सकता हूँ, बट हिंदी मेरे मुंह पे चढ़ी। अब मैंने राज्य वालों में देखा था ना, राज्य डीसी का आप तो जानते ही हो गए, तो उसने भाई दो चार लोग पहले लेना, मतलब वो तो भाई जम्मू के अंदर आपको पता ही है हिंदी चढ़ी होती है, पर उसने पंजाबी वालों में बनाया ना थोड़ा सा लास्ट में, तो भाई उनके मुंह से ना सुनने में थोड़ी मतलब फनी टाइप लगती है, क्योंकि यार जिसके मुँह पे सडनली चढ़ा होता है ना इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज का, उनके मुँह से थोड़ी अलग सी लगती है। तो उसने बड़ा तनाजा बोलता था, मतलब कि चलो भाई अज आपां पंजाबी च ब्लॉग बनाउंदे आ, जिहड़े जिहड़े साडे नाल चंडीगढ़ तों जुड़े ने वो भाई कहिंदे हुंदे आ कि पंजाबी च ब्लॉग बनाओ, तां करके मैं सोचा अज पंजाबी च ब्लॉग बनाइए। तो मेरा नाल मेरा भरा भाई मलिक एक भाई दूर से जा रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है ना, मतलब कि खतरनाक ही लग रहा था यार वो। बाकी यार सही है यार, सभी ना मेरे को बढ़िया लगते हैं सभी राइडर, चाहे राजा हो गया रईस भाई हो गया अपना जानो, तो भाई अंडी बंदा आलन हो गया, मतलब भाई सारे अपने और खतरनाक गया मोल चाल। किस दिन जम्मू जाएंगे ना, मैं जम्मू यार मैंने सोच रखा है कि किस दिन जब मैं जम्मू जाऊंगा ना तब मैं उनके साथ व्लॉग लेके आऊंगा, और तब तक तो भाई आपके भाई का नाम काफी हो गया होगा लुधियाना में, तो करेंगे कुछ धमाल आने वाले टाइम में। आज मैंने आपके साथ काफ़ी बातचीत की, बख्शुद्दी तो कहेगी ना, बट थोड़ा मतलब बताना तो पड़ना ही था मेरे को भी ना, क्योंकि जिस बात पे मेरे से सवाल पूछे जाते हैं उस बात को तो पकड़ना तो पड़ना ही था, मैं तो कितना का भागूंगा यार मैं वैसे। ठीक है जो था गैस वो मैंने सच्चाई बता दी, देखो अपने साथ किसी का हेट नहीं है, ठीक है क्या कि गैस में उसके साथ कॉन्ट्रोवर्सी करूँगा मेरे को मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी अलग टीम बनाऊंगा, अपनी अलग ऑडियंस बनाऊंगा, ठीक है। और अब मैंने कभी नहीं बोला भाई कि वो बंदा बेकार है या वैसा है ना, सभी अच्छे हैं भाई अपने अपने लाइफ में, सब अच्छे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाओ अपने ब्लॉग ग्रुप में, मैं कल्ला ही हट काफी है सीधी बात, मेरे को नहीं लोड़ भाई ग्रुप में ब्लॉग बनाने की, मेरा नाम बनेगा तो अकेला बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा, बात ही खत्म। फेमस मिठाइयों की दुकान केस लवली, और ये हकीकत आपको तो मैंने पहले। तो चलो गाइस ये था आज का ब्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाकी तो चलो मेरा कॉलेज आ गया है, तो चलो मैं करता हूँ इसी के साथ ब्लॉग एंड, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।